राम राम। तुम्हारे साथ कभी भी ये चीज़ हुई है कि अगर तुम कोई भी काम करने जा रहे हो, किसी भी काम को तुम करने जा रहे हो, कोई तुम फॉर्म भी भरने जा रहे हो, अगर तुमसे किसी ने भी कह दिया कि ये शायद तुमसे ना हो पाए तो तुम वो फॉर्म नहीं भरते हो, या फिर तुम किसी कोचिंग में जा रहे हो जहाँ तुम्हें उस टीचर की चीज़ें समझ में आ रही लेकिन किसी ने बोल दिया कि टीचर अच्छा नहीं तो तुम नहीं करोगे, तुम कपड़े लेने जाते हो, यार छोटी बात करते हैं हम लोग, वो तो टीचर बहुत बड़ी बात होगी, तुम कपड़े लेने जाते हो, तुम्हें पसंद आ रहा है, बगल वाले ने कह दिया कि नहीं अच्छा है, तुम नहीं लेते हो, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब वो सिर्फ एक छोटी चीज़ नहीं है कि तुम कपड़े किसी दूसरी की पसंद से ले रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम अपना खुद का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में थमा दिए हो। और यकीन मानो ये होती है मेंटेलिटी। लोगों को लगता है ये तो छोटी चीज़ है कि हम कपड़े किसी दूसरे की पसंद से ले रहे हैं या जो भी चीज़ें चूज कर रहे हैं, या लड़की देखने जाते हैं 36 लोग लेके तो सबसे पूछते हैं कि अच्छे लग रहे कि नहीं रही ना इनको साथ में, कि 36 लोगों को पता नहीं। अब देखो ये मेंटेलिटी की बात है, यहाँ पे ये बात नहीं है कि तुम्हें पसंद है या नहीं पसंद है, दूसरों को पसंद है नहीं, ये तुम्हारी मेंटेलिटी की बात है। क्यों? अगर आज तुम इन छोटी चीज़ों में डिसीजन खुद का नहीं ले पा रहे हो तो आगे लाइफ में तुम्हें 50-60 साल जो है वो तुम दूसरों के डिसीजन पे ही डिपेंड रहोगे। अगर सामने वाला जो कहेगा कि ये सही है तभी तुम उसको सही मान लोगे, सामने वाले ने कह दिया गलत है तो तुम गलत मान लोगे। सलाह सबकी ले लो लेकिन डिसीजन खुद का लो। कैसे? अब समझाते हैं। अगर तुम किसी भी नौकरी का फॉर्म भर रहे हो, खासकर अगर तुम आईएएस की तैयारी करने जा रहे हो और तुमने अभी तक कांस्टेबल का एग्जाम भी क्रैक नहीं किया लेकिन तुम्हें एक गट फीलिंग आई है कि यार अगर हम तैयारी करते हैं तो शायद यूपीएससी हम क्रैक कर सकते हैं क्योंकि मेरे अंदर मेहनत करने की क्षमता है, और तुमने कांस्टेबल का एग्जाम भी नहीं क्रैक किया, तो यकीन मानो एक रिमोट नहीं 36 रिमोट कंट्रोल होंगे आसपास जो कि तुमसे ये कहेंगे कि मत करो तैयारी क्योंकि तुम्हारे बस की है नहीं। ये सब कहेंगे, और ये बातें मतलब लॉजिकल लॉजिकल कुछ नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। सब कहेंगे तुमसे नहीं होगा, और इसी कंडीशन में आती है वो छोटी मेंटेलिटी काम में, जब तुम कपड़े लेने जा रहे थे किसी से दूसरे से पूछ रहे थे क्योंकि वहां से तुम्हारी आदत लग चुकी है दूसरों की सुनने की। और जब जब दूसरा कोई डिसीजन लेगा तुम्हारे, जब भी तुम्हारा रिमोट कंट्रोल कोई दूसरा होगा, यकीन मानो अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग तो नहीं जी पाओगे। हम एक बात बताते हैं, एक डॉक्टर साहब हैं 65 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, और उनसे एक इंटरव्यू हुआ था 2-4 साल उनके पहले ही, 60 साल के जब 59 साल के थे वो, और वो बेस्ट सर्जन बेस्ट डॉक्टर थे अपने फील्ड के, कैलिफोर्निया की बात बता रहे हैं। तो वहाँ पे जब उनका इंटरव्यू हो रहा था उनसे पूछा गया कि यार इतना बेहतरीन तुमने काम किया अपनी ज़िंदगी भर और सब इतना तुम्हें पसंद करते हैं और अपनी लाइफ से खुश हो या नहीं, ये वो फलाने का तो पूछा, तो उसने क्या बोला था पता है? उसने यही बोला था कि हम बस यही चाहेंगे जब हम दोबारा जन्म लें तो हम डॉक्टर ना बने, हम जो करना चाहते थे हम वो कर लें। वो सिंगर बनना चाहते थे हमेशा से, लेकिन लोगों को ये लगता था कि ये डॉक्टर बनेगा और इस वजह से वो भी मेहनत उसी चक्कर में उनसे करवा डाली और वो डॉक्टर बन गए, और 60 साल उसने सिर्फ एक ड्यूटी में निभा दी, मतलब बोरिंग ज़िंदगी जी ली, और उसके बाद क्या हुआ? 1% भी खुश नहीं अपनी लाइफ से। लता मंगेशकर, ये सब एग्जांपल जितने आसपास सेट है ना, ये सब तुम्हारी बुद्धि खोलने के लिए, लेकिन नहीं खोल रही तो हम खोलते हैं बुद्धि। लता मंगेशकर, जब आखिरी समय जब इनसे मतलब किसी से इंटरव्यू हुआ था, जब बात हो रही थी, वो इंटरव्यू तो पब्लिश भी है यूट्यूब पे देख लेना, तो उन्होंने कहा था कि अगली बार जब भी मेरा जन्म हो तो हम लता मंगेशकर नहीं बनना चाहते हैं। सोचो कितनी तकलीफें हैं उसमें। तो इस चीज़ को तुम्हें समझना पड़ेगा कि जब जब तुम डिसीजन किसी दूसरे के हाथ में छोड़ोगे तब तब तकलीफ होगी। आज भले तुम्हारे जो खुद के डिसीजन, उससे तुम सिर्फ 20,000 रुपये कमाओ और सामने वाला कोई बता रहा उससे तुम 1 लाख भी कमा लोगे, मजा नहीं आएगा। इसलिए यार खुद के डिसीजन खुद लो, भले कितने भी गलत चले जाए कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, खुद की डिसीजन खुद लो, रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे को मत दो। जय श्री राम, राम राम।